बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। कमलनाथ पर टीएस से देव ने बड़ा बयान दिया है। तो परिवार से कोई जाता तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उनकी तरफ से कहा गया है। कमलनाथ मेरे पिता के संपर्क में रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी शोभा मुझे नहीं देती है। ये बयान टीएस सिंहदेव की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरा बीजेपी में जाने का सवाल नहीं है। तो ये बड़ी बातें टीएस सिंहदेव द्वारा कही गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जाने से परिवार से कोई भी अलग होता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, कभी कभी फायदा होता है। कमलनाथ जी को कैसे देखें? कमलनाथ जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं। संयोग से कल ही मेरी उनसे बात हुई किसी संदर्भ में, वो एक संयोग है। मेरे माता पिता के संपर्क में रहे, मेरे से काफी सीनियर हैं, उनके संदर्भ में कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। ऑलवेज आपको लेकर ये रहा कि आप भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, कभी आप में जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतने बार कह चुका हूँ लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा, पर वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं कभी बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बैज को आपने सुना है, लेकिन कमलनाथ के पूरे दायरे को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर दीपक बैज की तरफ से भी प्रतिक्रिया रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी, उनकी तरफ से यह भी कहा गया। सीधे सुनाएंगे दीपक बैज का बयान। बीजेपी में जाने की जो चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है, और इस चर्चा ने सियासत में एक तूफान सा ला दिया है और हर तरफ इसी की चर्चा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अब सब यही चर्चा है। अगर हम बात करें कि आज की बड़ी राजनीतिक खबर यही है। देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के और केंद्र के बड़े नेता, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और बाकी इसमें मुझे आगे कुछ नहीं कहना है क्योंकि राजनीतिक फैसला लेने का हक तो उनको है। ये घड़ी विषम परिस्थिति का घड़ी है। जो अगर सच्चा सिपाही होगा वो कांग्रेस साथ खड़ा रहेगा और राहुल गांधी जी के संघर्ष का साथी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से मतलब एक खरीद परोक्त, दबाव, डर, भय, सब तरह की रणनीति अपना रही है, तो सर फिर और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हो रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और उनका कहना है कि राहुल, हर कोई राहुल गांधी नहीं होता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जो है वो फौलादी है और वो किसी से नहीं डरते, लेकिन बाकी जो लोग इस तरह का फैसला ले रहे हैं कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है, लेकिन सवाल तो उन पर उठते हैं। दीपक बैज का कहना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।